Hello everyone, welcome to the 44th part of ancient Indian history. In this video, we are going to see the causes of Magadha's success. Magadha ki safalta ke karan kya the, use hum samjhenge. So what is the meaning of causes of Magadha's success? Magadha ki safalta के कारण का मतलब क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे 16 जनपद थे, तो 16 जो जनपद थे उनके बीच में फिर लड़ाइयां हुई एंड उसके बाद फिर उन लड़ाइयों में कोई राजा जो है जीतता है, कोई हारता है. तो जो राजा जीतता है वो दूसरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है. सो इस तरीके से वो जो 16 जनपद थे वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हुए एंड बाद में एक जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा उभर के आया था एंड उसने बाकी जो राजा हैं, बाकी जो एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल किया था. तो वो कौन सा एरिया था? तो वो था मगध का. तो मगध जो एरिया था वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बाकी के जो राजा लोग थे उनके ऊपर अटैक किया एंड उनके ऊपर अपना कंट्रोल जो है स्थापित किया. बाकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो कर पाने में मगध साम्राज्य जो है वो सफल हुआ था. तो वो सफलता को क्यों प्राप्त हुआ, ठीक है, ये मगध के जो एम्पायर के जो लोग थे वो क्यों सक्सेसफुल रहे, बाकी के जो एम्पायर के लोग थे, बाकी एरिया के जो राजा थे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे, ठीक है, उसके पीछे का हम कारण समझेंगे कि मगध के पास वो क्या क्या एडवांटेजेस थे जिसका उन्होंने फायदा उठाया एंड उन्होंने साम्राज्य को एक्सपेंड किया एंड एक बड़ा विशाल साम्राज्य जो है भारतवर्ष में खड़ा किया था, ठीक है. सो अगर हम बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदा, ये जो इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे पहले के टाइम पे इन मगध एरिया, उनको अगर हम देखें, उनकी लाइफ हिस्ट्री को हम देखें, तो हमें पता चलता है कि ये जो रूलर्स थे बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मानंदा, इन्होंने साम दाम दंड भेद हर चीज़ जो है उसको इन्होंने अप्लाई किया एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है इन्होंने किया एंड अपने एरिया को कंसोलिडेट करके रख पाने में वो सफल हुए थे, ठीक है. तो यही सिर्फ कारण नहीं था जिसकी वजह से मगध जो है वो एक्सपेंड कर पाया था, कुछ और कारण थे जिसकी वजह से मगध जो साम्राज्य है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा था, वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उसको यूज़ करते हुए वहाँ के जो राजा थे वो रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी सेना रख पा रहे थे एंड उस बड़ी सेना की वजह से वो दूसरे एरिया पर अटैक कर पा रहे थे एंड दूसरे एरिया के ऊपर अटैक करके उनको हरा के उनको अपने अंडर में ले रहे थे, ठीक है. सो उन्हीं कारणों को अभी हम देखना शुरू करेंगे. सो सबसे पहले अगर हम मगध का लोकेशन देखें तो उसको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला हुआ है, ठीक है. सो मगध को ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? तो मगध जो एरिया है वहां के जो आसपास के जो एरिया है वहाँ पे आयरन ओर जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है. पहले के टाइम पे जो मगध हुआ करता था, आज के टाइम पे जो बिहार है, झारखंड है एंड आसपास के जो एरिया है वो सारे मगध एम्पायर के अंडर ही आते थे. तो ये जो एरिया है यहाँ पे आयरन ओर एंड बाकी जो मिनरल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थे. सो उस समय तक जब मगध एम्पायर जो है वो खड़ा हो रहा होता है, उससे पहले ही जो ह्यूमन सभ्यता थी, ठीक है, उन्होंने आयरन को यूज़ करना जो है अच्छे से सीख लिया था एंड दे वर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आउट ऑफ आयरन. आयरन को यूज़ करते हुए वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है बना रहे थे एंड क्योंकि मगध एरिया में आयरन ओर जो है ज़्यादा अवेलेबल है एंड बाकी जो मिनरल्स है वो ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे एंड इस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव वेपन्स जो हैं वो बनाए. साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एरिया है एंड वहाँ पर कुछ चीज़ मिल रही है तो उन चीज़ों को सबसे पहले आप खुद इस्तेमाल करेंगे, बट इस्तेमाल के बाद भी वो चीज़ें एक्सेस में आपके पास रह जा रही है, देन वाट यू आर गोइंग टू डू, तो आप क्या करेंगे, उसको आप बेचना चाहेंगे, उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे एंड इस तरीके से आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट अपना इनकम जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. तो यही जो चीज़ है मगध एरिया में जो रूलर्स थे जो रूल कर रहे थे उन्होंने किया एंड साथ ही साथ मगध एरिया जो है वहाँ पे जो रूलर्स रूल कर रहे थे उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी किया था. तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन जब किया तो आसपास के जो एरिया थे वहाँ पे भी रिच आयरन ओर्स थे, सो अगेन दे वर एबल टू गेट मोर आयरन ओर. तो अब क्या हो रहा था कि चीज़ें उनके पास एक्सेस में हो पा रही थी जिसकी वजह से इसको यूज़ करके वो इफ़ेक्टिव इक्विपमेंट्स, इफ़ेक्टिव वेपन, ये सारी चीज़ें बना रहे थे एंड साथ ही साथ ये जो है एक्सपोर्ट भी करने लगे होंगे एंड इफ़ेक्टिव वेपन्स बना के इन्होंने दूसरों को बेचा भी होगा. इस तरीके से उन्होंने
पैसे जो है अपने पास और जमा किए होंगे एंड ये जो साम्राज्य है वो थोड़ा और स्ट्रांग हुआ होगा। साथ ही साथ अगर हम एमपी का पार्ट देखें, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी का पार्ट देखें, अवंती को देखें जिसका कैपिटल उज्जैन था, सो अवंती जो है वो भी कैप्चर कर लिया जाता है मगध के राजाओं के द्वारा। सो अवंती एरिया को भी कैप्चर कर लिया गया एंड ये जो एरिया है अगेन यहाँ पे आयरन माइंस जो हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हो गए, हमारा कंट्रोल जो है उन रिसोर्सेज पे हो गया। देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट, हम वहाँ से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे एंड वही जो चीज़ें हैं उस समय के राजाओं ने किया। देन कैपिटल अगर हम देखें मगध का, तो पहले जो कैपिटल था वो था राजगीर, जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो राजगृह या फिर राजगीर दोनों सेम नाम है, ठीक है। सो पहले कैपिटल राजगीर था, बाद में फिर पाटलिपुत्रा हो गया। तो ये जो दोनों कैपिटल थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लोकेटेड थे। राजगीर को अगर हम देखें स्पेशली, सो राजगीर जो है वो सराउंडेड है बाय अ ग्रुप ऑफ फाइव हिल्स, पांच पहाड़ों का समूह जो है उससे घिरा हुआ है राजगीर। एंड उस समय हमारे पास कोई तोप वोप तो था नहीं कि तोप में हमने गोला डाला एंड उसको लॉन्च किया एंड हम ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे किसी को, या फिर हमने किला जो है वो तोड़ दिया, या फिर कोई स्ट्रांग बाउंड्री जो है उसको हम पेनिट्रेट कर पाएंगे। दीज थिंग्स वे आर नॉट ईजी बाई दैट टाइम, क्योंकि उस समय तक जो वेपन्स थे वो उतने ज़्यादा उभरे नहीं थे, ठीक है, कैनन से सब थे नहीं। सो राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था एंड जिसके वजह से इसको जो है एक स्पेशल नेचुरल प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं कि मिला एंड उस जगह को वहाँ के राजाओं ने बहुत समय तक अपना कैपिटल जो है बना के रखा। फिर 5th सेंचुरी BC के आसपास का समय देखें, सो मगध के जो राजा होते हैं वो अपना कैपिटल जो है वो राजगीर से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र यानी प्रेजेंट डे पटना में कर लेते हैं। सो पाटलिपुत्र में उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। देन अगेन ये जो पाटलिपुत्र कैपिटल है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि ये जो कैपिटल बनाया इन्होंने ये कहाँ पे सिचुएटेड था, सो ये एक नदी के पास में है। सो नदी के पास में है, कौन सी नदी, गंगा नदी। सो गंगा नदी के पास में है एंड जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिवर के थ्रू जो है काफ़ी ईजिली अवेलेबल था एंड अगर कोई बिजनेस करना हो, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, सो उस समय रोडवे हाईवे तो उस समय इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, ना ही हमारे पास आज के जैसे ट्रेन और बसें हुआ करती थी, तो बैलगाड़ियों पे और पैदल जो है उन चीज़ों को भेजा जाता था। तो नावों को फिर उस समय यूज़ किया गया वहाँ मगध एरिया के जो राजा थे उनके द्वारा एंड फिर रिवर को यूज़ करते हुए उन्होंने इस चीज़ को और यूटिलाइज किया एंड इस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड किया। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि रिवर यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है। तो ये जो रिवर्स है ये क्या करेंगे, तो इरीगेशन के लिए ये वाटर प्रोवाइड करेंगे। इरीगेशन के लिए अगर वाटर अवेलेबल है देन वाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट एरिया, वहाँ का जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो बढ़े, फर्टिलिटी बढ़ेगा सॉइल का, तो वहां के जो किसान है वो ज्यादा क्रॉप जो है उगा पाएंगे। ज्यादा क्रॉप अगर वो उगा पाए तो क्या होगा कि सरप्लस जो अमाउंट होगा वो फिर क्या करेंगे, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, वो दूसरों को बेचेंगे। सो इस तरीके से वहां पे जो प्रजा है उनके पास खुद कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, उनके पास कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा एंड वहाँ के जो राजा हैं उनको भी टैक्स कलेक्शन में हेल्प मिलेगा। सो इस तरीके से उनको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज जो है मिलता है, ठीक है। पहले कैपिटल था राजगीर, ओके, फिर कैपिटल जो है शिफ्ट हुआ पटना में। पाटलिपुत्र को हम देखें तो ये कौन से नदी के पास में है, सो ये गंगा नदी के पास में है एंड ये जो रिवर्स है गंडक, सोन, घाघरा, ये जो है आके मिलती हैं गंगा के अंदर एंड जिसकी वजह से ये पाटलिपुत्र एरिया जो है ये काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। अगर हम गैंजेटिक प्लेन को देखें, सो स्पेशली ये जो एरिया है मगध एरिया जहाँ पे गंगा जो है निकल रही है, ये एरिया जो है काफ़ी फर्टाइल हो जाता है एंड इसके वजह से फर्टिलिटी जो है उस एरिया में सॉइल की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई एंड इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है एंड गंगा जो रिवर है वो
दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, पहली चीज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दूसरी चीज़ एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, बेसिकली इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा टिम्बर जो हैं, लकड़ियाँ जो है वो भी अवेलेबल थी। सो टिम्बर्स अवेलेबल है, टिम्बर अगर अवेलेबल है, लकड़ियाँ अगर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब है कि उस एरिया में पेड़ जो है, पेड़ पौधे ज़्यादा हुआ करते होंगे। अब पेड़ पौधे ज़्यादा थे तो ये किस तरीके से एडवांटेज के रूप में रोल प्ले करता है? सो पेड़ पौधे जब ज़्यादा थे एंड हमारे पास नदी है, तो हम क्या करेंगे, पेड़ को काट के हम बोट बनाएंगे एंड बोट बना के फिर हम उसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ मैगस्थनीज की बुक देखें अगर हम, इंडिका, ठीक है, मैगस्थनीज कौन था वो भी आपको याद रखना होगा, किसके कोर्ट का, किसके कोर्ट में वो भेजा गया था एंड किसने उसको भेजा था, ये जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैगस्थनीज से रिगार्डिंग ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखना है। मैगस्थनीज जो है वो जो बुक लिखता है इंडिका, उसके अंदर उसने बताया था कि पाटलिपुत्रा जो सिटी है वहाँ पे वुडन वॉल्स है, यानी जो दीवारें हैं उसको बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया एंड घर जो हैं वो भी लकड़ियों से बनाए गए, मतलब पूरी तरीके से लकड़ियों से नहीं बनाए गए होंगे बट हाँ लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया गया। तो अगर कोई चीज़ सरप्लस अवेलेबल होती है उन्हीं को तो हम बेधड़क जो है हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वही जो चीज़ है वो इस एरिया में हुआ था, मगध एरिया में हुआ था, जिसकी वजह से लकड़ियों का इस्तेमाल जो है मगध एरिया में वो ज़्यादा हुआ, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि फिर उन लकड़ियों को यूज़ करके बोट बनाया गया एंड बोट बना के फिर हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने जब यूज़ किया तो इस तरीके से हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता है ईस्ट टू वेस्ट, एंड जब बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी एंड प्रॉफिट जब बढ़ी तो फिर क्या होगा, राजा जो है बड़ी सेना रख पाएगा, बड़ी सेना को वो सैलरी दे पाएगा एंड इसके वजह से वो फिर उस सेना को यूज़ करके टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर पाएगा। तो वही चीज़ जो है मगध के जो रूलर्स थे उनको ये एडवांटेज जो है मिला हुआ था। साथ ही साथ तो प्रोडक्टिविटी जो है इस एरिया में काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी थी तो कंसिडरेबल सरप्लस जो अमाउंट है फूड ग्रेन्स का वो प्रोड्यूस हुआ। सो वो प्रोड्यूस हुआ, सरप्लस फूड है आपके पास, सो आपकी प्रजा भी सुखी एंड आपकी प्रजा का प्रॉफिट भी है, साथ ही साथ आपकी प्रजा जो है उसको एक्सपोर्ट कर रही है, सो आपका ट्रेड एंड बिजनेस भी बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो हर तरीके से ये जो है एडवांटेज जो है मिला था मगधन एम्पायर के अंदर जो रूलर्स थे उनको। साथ ही साथ जो मगध एरिया था वहाँ पे जो टाउन है वो भी, फिर टाउन के अंदर जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड हाई होना शुरू हो जाता है एंड वहाँ के जो लोग हैं वो अब अच्छे घर बनाना शुरू कर चुके होते हैं एंड चीज़ें जो हैं प्लांट वे में स्टार्ट हो जाती है, मेटल मनी जो है उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। सो ये सारी जो चीज़ें एक एडवांटेज के रूप में मिली थी एंड जो स्पेशल एडवांटेज था मगधन एम्पायर के रूलर्स का वो था उनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज के रूप में उन्होंने कैसे यूज़ किया, उसके पीछे का बैकग्राउंड हमने देखा कि प्रोडक्शन ये सब सारा जो है ज्यादा हो रहा है तो वहां की प्रजा खुश है, टैक्स जो है वो ज्यादा पे करेगी, तो राजा जो है ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकता है, तो इस तरीके से वो ज्यादा बड़ी आर्मी रख सकता है। उस समय के जो राजा महाराजा थे वो सब लोग घोड़े एंड रथ जो है यूज कर रहे थे, बट मगधन एम्पायर के अंदर जो मिलिट्री थी उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर एक स्पेशल एडवांटेज ये था कि मगध के जो रूलर्स थे वो हाथियों का भी इस्तेमाल करते थे अपने मिलिट्री के अंदर। सो हाथियों का इस्तेमाल करते थे तो ये हाथियों का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे थे, अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर हम देखें, सो बंगाल असम एरिया, वहाँ से हाथी जो है इजीली अवेलेबल हो जाते थे, तो इस तरीके से ये भी एक ज्योग्राफिकल फीचर ही हुआ, जिस लोकेशन का एडवांटेज हुआ जिसकी वजह से हाथी जो है इजीली अवेलेबल हो जा रहे, तो उन हाथियों को मगध के साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने यूज किया एंड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेस कि नंदा के पास 6,000 हाथी थे उस समय। सो इतने बड़ी संख्या में अगर हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो नो डाउट वो जो आर्मी है वो दूसरे आर्मी पे भारी पड़ेगी एंड इस तरीके से वार जो है जीत पाने में आसानी हो सकती है। एलिफेंट जो है सिर्फ वार में ही यूज़ नहीं किए गए, ठीक है, वार में अगर वो यूज़ किए गए तो फिर उस समय जो भी आसपास के जो किले विले थे
जब किसी के ऊपर अटैक किया जा रहा था, सो उनको तोड़ने में हाथी जो है वो अच्छा रोल प्ले करते थे. साथ ही साथ रोड एरिया, रोड जो है उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, सो रोड उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था. एंड अगर हमें मार्शी लैंड या फिर दलदली एरिया से कहीं से निकलना है, सो हमारे पास ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, तो हम क्या करते, तो हमने क्या किया, हाथियों का इस्तेमाल किया. सो हाथियों के ऊपर बैठ के जो है महावत उस हाथी को क्रॉस करवाएगा, एंड उसके ऊपर और भी सामान वामान जो है वो रखे जाएंगे, या फिर लोग जो है वो भी बैठ के निकल सकते. तो इस तरीके से हाथियों का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एंड बिजनेस के अंदर. एंड एक और जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड वो चीज़ थी यहाँ की सोसाइटी. सो मगध एरिया में जो लोग रह रहे थे उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनकी वजह से वहाँ का जो राजा है वो ज़्यादा फ्लरिश कर पाया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो कुछ लोग जो थे वो किराटाज होते हैं. किराटाज बेसिकली ये पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग हैं जो माइग्रेट होके इस एरिया में पहुंचे, एंड वहाँ के जो लोकल्स हैं वो सब मिलजुल के रहते थे. एंड वहाँ के जो ब्राह्मण्स थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, तो वो लोग जो है बाकी के लोगों को थोड़ा सप्रेस करके रखते थे. फिर भी ये जो सोसाइटी थी ये बहुत ही पीसफुल मैनर में रह पा रही थी. तो सोसाइटी अगर पीसफुल मैनर में रह पाए, ठीक है, इंडिया को ये प्रेजेंट डे हम कंसिडर करते हैं, सो हर एक स्टेट के अंदर हर जो लोग हैं, मीन्स हर कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो शांतिपूर्वक रहें तो सरकार दूसरे चीज़ों में जो है फोकस कर सकती है. लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च जो है वो कम आएगा, क्योंकि जनता खुद समझदार अगर हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर से रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगे सरकार के पास, तो लॉ एंड ऑर्डर से रिगार्डिंग कोई खर्चा जो है सरकार के नहीं करना पड़ेगा, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा. सो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं और पे यूटिलाइज कर पाएगी, या फिर सरकार अपना फोकस जो है दूसरे एरिया में भी ला पाएगी. एंड वही चीज़ जो है मगध जो साम्राज्य था वहाँ की जो जनता थी उसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे उनको मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में शांति बनी हुई थी, तो राजा दूसरे एरिया पे अब फोकस कर पा रहा था, एंड इस तरीके से वो टेरिटरी एक्सपेंशन जो है वो कर पा रहा था, ठीक है. सो जो ग्रुप बना वो एथनिक ग्रुप जो बना वो काफी खुशहाल तरीके से जी रहा था, ठीक है. खुशहाल तरीके से कहने का ये मतलब नहीं कि हर कोई खुश था, ठीक है. इंडिया में स्लेवरी सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रही थी, बट जो फॉरेन ऑथर्स की बुक थी, जो चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी. बट एक्चुअली स्लेवरी जो है एग्जिस्ट करती थी, बट उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती थी जिस फॉर्म में दुनिया के बाकी हिस्सों में स्लेवरी जो है एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. दुनिया के बाकी हिस्सों में अगर हम देखें तो स्लेवरी का मतलब था कि उस इंसान के साथ बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता था, बहुत ही निर्दयता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता था. बट इंडिया में वैसा नहीं था, स्लेव्स थे बट उनके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं किया जाता था जिस तरीके से बाकी के जो हिस्से हैं, बाकी की जो दुनिया है वहाँ पे उनके साथ बिहेव किया जाता. तो इस वजह से जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने कहा कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट ये 100% ट्रूथ नहीं है. स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी बट उनको पता ही नहीं चला कि हाँ ये स्लेव है. बेसिकली अगर हम अपना वर्ना सिस्टम देखें, सो हमने अपने सोसाइटी को चार वर्ना में डिवाइड कर दिया, एंड हर वर्ना को हमने बता दिया कि तुम ये इस वर्ण के हो, सो तुम्हारा ये काम है. सो पब्लिक के दिमाग में, जनता के दिमाग में वो चीज बैठ चुकी थी, एंड उन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था. सो उन चीजों को जब कोई एक्सेप्ट कर ले, एंड वो बाकी के जो चीजें हैं लो लेवल की, जो हम जिसे काम कहते हैं उसको अगर कर रही है खुद से, एंड उन्होंने मान लिया है कि ये हमारी किस्मत है, सो वो अपोज करेंगे नहीं उतना ज़्यादा. सो वहाँ पे क्या होगा, एक पीसफुल तरीके से ये चीज़ें ट्रेडिशन मान के जो है लोग चलते रहेंगे. सो इसके वजह से जो फॉरनर्स आए थे उनको लगा कि यहाँ पे स्लेवरी जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट इन एक्चुअल इट वॉज एग्जिस्टिंग. एंड यही सब कारण थे जिसके वजह से जो मगध एम्पायर के जो रूलर्स थे वो एक्सपेंड कर पाने में सक्सेसफुल हुए थे, एंड वो जो साम्राज्य है वो पूरे भारतवर्ष पे बना पाए थे. सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में. चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.